शो शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय आने पर मुझे तुम्हारे सम्मुख आना ही होगा सुवेनी। माता, बालक गजानन लौट आए हैं। मेरा पुत्र गजानन? प्रणाम पिताश्री। पुत्र? प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र गजानन, कुबेर देव अपना मार्ग भटक गए थे, तुमने उन्हें उचित मार्ग दिखाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। पुत्र गजानन, तुम थक गए हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। महादेव, महादेव सहायता कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, माता रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर, कैसे संकट का सामना कर रहे हैं आप? माता, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए हमें आश्रम के निकट वन में जाना पड़ता है, किंतु वहाँ कुछ मायावी सर्प घुस आए हैं, वो हमें वन में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। उन सर्पों ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है प्रभु, हमें उनसे छुटकारा दिलाइए। ऋषिवर, आप चिंता मत कीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ और आपका यह संकट दूर करूंगा। पिताश्री रुकिए। मेरे होते हुए आप कष्ट क्यों करेंगे पिताश्री? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर इस समस्या का हल निकालता हूँ। धन्य है, योग्य है आपके पुत्र महादेव। उसी पुत्र का होना सार्थक होता है जो अपने माता पिता का दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले ले। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। यही है वो वन पार्वती नंदन, जो हमारे आश्रम के समीप होने पर भी नागों के आतंक के कारण हम वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे, और इसी कारण हम अपने बालकों को देने के लिए फल और अन्य भोजन की सामग्री भी नहीं जुटा पा रहे। आपको उपहार देने के लिए ये फल बचाकर रखे हैं हमने, इन्हें स्वीकार कीजिए, ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना, लीजिए खा लीजिए। अभाव में भी जो दान देने का भाव रखे उसका हृदय कितना विशाल है। ऐसे सहृदय बालकों को कष्ट हो ये मैं नहीं सहूंगा। नहीं मित्रों, ये फल आपके हैं, इसलिए इन्हें आप ही खाइए। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है, मैं वचन देता हूँ अब यहाँ किसी को भी संकट में नहीं रहने दूंगा।
कितना घना वन है और इस अंधकार में कुछ देख पाना कितना कठिन है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई और भी है यहाँ। वन के स्वामी हैं हम। हमारे वन में प्रवेश किया तुमने तो उसका दंड भी अवश्य पाओगे बालक। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इन नागों ने तो घेर लिया मुझे। तुम्हें जकड़ लेंगे बालक, फिर तुम्हारे प्राण हरेंगे हम। यही है तुम्हारा दंड, हमारे वन में आने का दुस्साहस करने का। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालक। मेरे इस कठोर तप के बाद भी आप नहीं आए माँ, तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। निराश होकर अपना जीवन त्यागने पर विवश हो जाए, ये कैसे संभव? दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो तुम? आपके दर्शन प्राप्त हुए तो सब कुछ प्राप्त हो गया मुझे। संसार में सबसे दिव्य तो आपके दर्शन है माँ, इसीलिए मुझे अब कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रही माँ। क्या? और कुछ की इच्छा नहीं रही? ये कैसी मूर्खता है। वरदान मांगो सुवेनी। शत्रु हो क्योंकि तुमने हमारे एक नाग का अकारण ही वध किया है। नहीं नहीं, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। मैं आपका शत्रु नहीं। इसके मिथ्या वचनों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे हमारे एक नाग का वध कर और उसे काटते हुए देखा है। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। अब तुम्हारा वध हम करेंगे, दंड देंगे तुम्हें। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैंने एक मृत नाग का शरीर देखा अवश्य था, जिसे ससम्मान गाड़ा भी था मैंने। उसके विष से उत्पन्न अग्नि को भी बुझाया था, किंतु उसका वध नहीं किया था मैंने। ये मिथ्या कह रहा है, शत्रु है ये। मैंने आप नागों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, पर अपराध तो आप कर रहे हैं। ऋषियों को आतंकित कर इस वन में प्रवेश करने से रोका है आप सबने। उन्हें फल फूल भविष्य की सामग्री से
वंचित किया है। प्रकृति और उसके संसाधनों पर तो सभी का समान रूप से अधिकार होता है, इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और उन्हें यहाँ आने दीजिए। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक, नागों के शत्रु हो तुम बालक, शत्रु हो तुम, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे ये सब छोड़ नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम हम नागों के शत्रु हो, शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। यदि हमने तुम्हारा कहा मानकर ऋषियों को सताना नहीं छोड़ा तो मैं आपको रोकने पर बाध्य हो जाऊंगा। तक्षक के क्षेत्र में आकर तक्षक को ही चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है तुच्छ बालक, देखता हूँ कौन किसे रोकता है। ये कैसे संभव है, इसने मेरे विष को कैसे रोक लिया। मेरा विष तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है, इस बालक ने इतनी सहजता से कैसे इसका प्रभाव मिटा दिया। मैं आपको आपके विष से इस वन को नष्ट नहीं करने दूंगा। तो मैं भी तुम्हें इस वन से जीवित नहीं लौटने दूंगा तुच्छ बालक। ये बालक तो यहाँ नहीं, ढूंढो उसे। ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ हूँ। क्रीड़ा का भयानक अंत होगा बालक। देखा बालक, इस विष का कोई तोड़ नहीं, अग्नि प्रज्वलित कर किसी को भी भस्म कर सकता है ये। मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी, समझाया था आपको कि वन को, यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को और जीव जंतुओं को हानि मत पहुँचाइए, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वृक्ष को भस्म किया आपने, अब उसका दंड मैं दूंगा आपको। मेरे नागों को आहत किया है तुमने, अब इसका परिणाम देखो तुम।